सन 1800 के शुरुआत में पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर भारत के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजों ने जो भूमिधारी थे उन भूमिधारियों के की तीन कैटेगरी निर्धारित की। मुगल शासकों के समय में राजा महाराजा भूमि को जागीरों में बांट देते थे। जागीरदार मालिक की तरह जागीर पर नियंत्रण रखते थे। जागीरदार जमीन को हिस्से में बांट देते थे और साथ ही अधीनस्थ जमींदारों को बेच भी देते थे। जमींदार किसानों को खेती करने के बदले में उनसे लगान लेते थे। अंग्रेजों की नज़र भूमि और खेती से प्राप्त इस राजस्व आय पर थी। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने इसी के कारण परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था भारत में लागू की। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान विशेष रूप से तीन प्रकार की भू राजस्व प्रणाली भारत में लागू थी। पहला जमींदारी, दूसरा महलवाड़ी, तीसरा रैयतवाड़ी। किसानों के लिए किराया या अधिभोग अधिकार जमींदारों के माध्यम से तय किए गए। जमींदारों द्वारा किसानों से भू राजस्व प्राप्त किया जाता था। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार बिचौलिए के रूप में कार्य करते थे। जमींदारों द्वारा जुटाए गए कुल भूमि धन में सरकार का कुछ हिस्सा होता था, बाकी जमींदारों का होता था। परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमींदारों को स्थायी भूस्वामी के रूप में स्वीकार किया गया। उनसे कहा गया कि वे राज्य को अपने वार्षिक राजस्व का 88% भुगतान करें, जबकि 12% अपने पास रख लें। गाँव में कृषक इस व्यवस्था को शोषणकारी मानते थे, क्योंकि जमीन पर जमींदार का अधिकार था और जमींदार अधिक किराया लेते थे। किसानों को अक्सर अपना लगान चुकाने के लिए ऋण भी लेना पड़ता था और वे यदि भुगतान नहीं करते थे तो उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो कुल मिलाकर जमींदार जो था वो किसान और सरकार के बीच में बिचौलिया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्र में महलवारी प्रथा भी लागू की गई थी। बंगाल काउंसिल में पश्चिमी प्रांतों में अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने 1822 में एक नई पद्धति की स्थापना की, जिसे महलवारी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। महलवारी प्रणाली में ग्राम प्रधानों द्वारा किसानों से भू राजस्व लिया जाता था। पूरे समुदाय को महल कहा जाता था और भू राजस्व स्रोतों को जमा करने की यह एक इकाई थी जिसे महल कहा जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आगरा और अवध में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाया और बाद में इसका विस्तार मध्य प्रदेश और पंजाब तक किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रथा भी लागू थी। खासकर दक्षिण भारत के बहुत सारे हिस्से में रैयतवारी प्रथा लागू थी। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य में स्थायी बंदोबस्त की धारणा से रैयतवाड़ी नाम से एक बदलाव आया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों द्वारा भू राजस्व सीधे सरकार को दिया जाता था। इस प्रणाली में रैयत यानी किसान ही भूमि की बिक्री, हस्तांतरण और पट्टे पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। इसका एक अवगुण यह था कि महाजन और साहूकार जो गांव में किसानों को उनकी जमीन गिरवी रखकर उन्हें ऋण देते थे, वे व्यवस्था पर हावी हो गए। साहूकार किसानों को अपना शिकार बनाते थे और ऋण न चुकाने पर उनकी भूमि कब्जे में लेकर उन्हें बेदखल कर देते थे। उत्तर भारत में ज्यादातर जगह पे जमींदारी प्रथा लागू थी, इसलिए हम जमींदारी प्रथा के बारे में ही आगे बात करेंगे। यह जो जमींदारी प्रथा थी उसको समयांतराल के बाद अलग अलग नाम भी दिया गया। जो गांव के जमींदार थे उनको कहीं कहीं तालुकदार भी कहा गया, मालगुजार भी कहा गया, मुकद्दम भी कहा गया। मराठा शासन काल में मालगुजारी देने की प्रथा आई थी, तो जो जमींदार था उसको मालगुजार कहा जाने लगा। मुकद्दम शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो उस गांव का जमींदार है उसको मुकद्दम कहा जाता है। लम्बरदार और सदर लम्बरदार का शब्द भी इस जमींदार के लिए ही उपयोग होता है, यानी जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, पूरे गांव की संपत्ति है, अंग्रेजों ने या सरकार ने उनको लगान वसूल करने का अधिकार प्रदान किया है, वो व्यक्ति जमींदार है। अब लगान वसूल करने का जो अधिकार है 50 के बाद के दशक में पटेलों को भी दिया गया था, तो आप पटेल को जमींदार मत समझिए। पटेल या उसके बाद के रेवेन्यू जो कर्मचारी थे या अधिकारी थे उनके संबंध में अगले किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अभी हम जमींदारी तक ही सीमित रहते हैं। तो पूरे गांव का जो जमीन था वो जमींदार के नाम पर था।
अंग्रेजों के चले जाने के बाद चूंकि भारत में समाजवाद आया और हम चाहते थे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जनतंत्र भारत में आ गया था, तो जमींदारी जैसी प्रथा का उन्मूलन भारत से किया जाए। इस संविधान में जमीन जो है वो राज्य की अनुसूची में है, इसलिए पूरे देश में अलग अलग राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बनाना चालू किया। 1945 से लेकर 1951-52 तक पूरे देश में अलग अलग राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बनाकर उसको पारित भी कर दिया और लागू भी कर दिया। तो 50 के शुरुआती दशक में जो ये जमींदार थे उनका पर काटने का एक्ट आ गया और उनके पास जो ऐसी भूमि थी जिस भूमि में वे स्वयं कास्त नहीं कर रहे थे, यानी सीर भूमि और खुद कास्त भूमि, और उनकी जो बड़ी बड़ी संरचनाएं थी, कोठी वगैरह थी, उनको छोड़कर बाकी अन्य सारी संपत्ति सरकार ने निहित हो गई। सरकार का प्रतिनिधित्व तो कलेक्टर करता है, इसलिए जिले में भूमि का मालिक कलेक्टर हो गया। अब जमींदारों से जो जमीन छीनी गई जमींदारी उन्मूलन के तहत, तो जमींदारी उन्मूलन के प्रावधानों के तहत उनको समुचित मुआवजा भी प्रदान किया गया। जो वहां रैयतवारी थे, गांव के लोग थे, जो किसान और जो दूसरे किसान थे, उनके नाम में जो जमीनें थी उस टाइम में, जो भू राजस्व उस समय जो लैंड रिकॉर्ड था उसमें, यदि वे कास्त करते हुए किसी भूमि के टुकड़े पर पाए गए तो वो जमीन उनको भूमिधारी के रूप में प्रदान की गई। तो 50 के शुरुआती दशक में जमींदार सब चले गए, उनका मूंछ कट गया, मूंछ कटने के एवज में उनको मुआवजा की राशि भी प्रदान कर दी गई। उसके बाद भी वो, चूंकि उनके पास सीर और खुदकास्त भूमि थी, मुआवजे से प्राप्त रकम था, तो वो पावरफुल थे ही। बैलेंस फिर भी नहीं बन पा रहा था। एक गांव में 60-70% भूमि उसी जमींदार के पास या उस जमींदार के परिवार के पास थी जिस पर वह कब्जा किया हुआ था या जिस पर जमींदारी उन्मूलन के बाद उसका अधिकार हो गया था। तो सरकार ने यह जो ऊंच नीच के भेदभाव को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों ने सीलिंग एक्ट पारित किया, यानी अधिकतम भूमि सीमा जोत अधिनियम। अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग नामों के साथ सीलिंग एक्ट पारित कर दिया। सीलिंग एक्ट किसी भी भूमिधारी के अधिकतम कृषि भूमि को सीमित करने के लिए लागू किया गया। सीलिंग एक्ट के बाद जमींदारों के पास जो अधिकतम भूमि थी, जो सीमा से ज्यादा भूमि थी, वह सब राज्य सरकार में निहित हो गई। इन सब के बीच में 45 और 50 के बीच में सभी राज्यों ने अलग अलग अपने भू राजस्व संहिता बनाकर पारित भी किया और लागू भी किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1959 में, जो अभी आप ताजा भू राजस्व संहिता देख रहे हैं वो 1959 में लागू हुआ इसमें, और विदर्भ क्षेत्र में मध्य भारत में पहले सीपीएन बरार लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके बाद मध्य भारत राजस्व अधिनियम, फिर जाकर 1959 में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पारित हुआ। तो अभी आप जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लागू अधिनियम देख रहे हैं वो 1959 में लागू हुआ। तो यह क्रम रहा भू राजस्व संहिता का अंग्रेजों के जमाने से अभी तक। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसी तरह बने रहेंगे तो अगले वीडियो में भू राजस्व संहिता के और इंटरेस्टिंग पहलुओं से आपको परिचित कराऊंगा। क्योंकि ये पहला एपिसोड था, यह एपिसोड भूमिका के रूप में था, तो हो सकता है आपको बुझिल लगा हो, पर आगे मैं भू राजस्व संहिता के विभिन्न
शब्दावलियों के संबंध में चर्चा करूंगा, जिसको आप अपने पिता दादा के मुंह से सुनते रहे होंगे, और उसका क्या महत्व है लैंड रेवेन्यू कोड में, इस पर भी आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।